मुजफ्फरनगर का श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां महामारी का रूप ले रहे एक्यूट इन्फेसलाइटिस सिंड्रोम से पीड़ित सैकड़ों बच्चों का इलाज चल रहा है, जहां 150 से अधिक बच्चों की मौत इस बीमारी से हो चुकी है, तो वहीं अस्पताल परिसर में रविवार को नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। प्लास्टिक की बोरी से भरकर रखे गए नरकंकाल SKVMH के वन क्षेत्र में मिले। मीडिया में खबर आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी कौशल किशोर ने अस्पताल प्रशासन को तलब कर रिपोर्ट मांगी है। परिसर की जांच DM आलोक रंजन घोष के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर पुलिस ने की है। यहां कई बोरियों में भरकर रखे नरकंकाल बरामद किए गए। इसके बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से भी एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर SK शाही और प्राचार्य की संयुक्त टीम जांच में लग गई है। मुजफ्फरपुर के DM आलोक रंजन घोष ने BBC को बताया कि प्रथम दृष्टया जांच और अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ में यह निकल कर आया है कि नरकंकाल लावारिस शवों के थे। इसी महीने की 17 तारीख को अस्पताल प्रबंधन ने 19 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया था। प्रबंधन का कहना है कि ये नरकंकाल 19 शवों के हैं। बिहार में रोगी कल्याण समिति की तरफ से लावारिस लाश के अंतिम संस्कार के लिए 2,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन जांच में यह बात सामने आई है कि अस्पताल और पुलिस प्रशासन के लोग शवों को अंतिम संस्कार के लिए भेजने के बजाय उसे अस्पताल के पीछे फेंक देते थे। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले नरकंकालों के मिलने की सूचना मिली थी। इस मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन और पुलिस के हाथ पांव फूल गए थे। आनन फानन में मामले की जांच के आदेश दिए गए। जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक हुई जांच में यह सामने आया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिछले हफ्ते SKMCH जाने से पहले लावारिस पड़ी लाशों को अस्पताल प्रशासन ने जला दिया था। एक्यूट इन्फेसलाइटिस सिंड्रोम यानी कि चमकी बुखार से हो रही बच्चों की मौत का जायजा लेने के लिए स्थित CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी अस्पताल पहुंचे थे।